स्वागत है दोस्तों आप सबका शाहिद आजमी लाइव पर। यह है दिल्ली का भारत नेशनल पब्लिक स्कूल, जहां पर स्पोर्ट्स के इवेंट होने वाले हैं, एथलेटिक्स के मुकाबले होने वाले हैं और भी बहुत कुछ होने वाला है। बच्चों को भविष्य संवारने का मौका मिलेगा, बच्चों को टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, बच्चों को कुछ कर गुजरने का मौका मिलेगा। क्या कुछ होने वाला है, कौन से मुकाबले होंगे, किस एज कैटेगरी में मैच होंगे और कितने खेल होंगे, क्या क्या कुछ होने वाला है, आइए सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं स्कूल के डायरेक्टर से और उनसे जानते हैं क्या कुछ होने वाला है, क्या खास होने वाला है, क्या नया होने वाला है और जो बच्चे खेल कर निकलेंगे उनके भविष्य को संवारने के लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए, यानी स्कूल के डायरेक्टर ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं। मेरा नाम कंवलजीत खुंगर, स्कूल का डायरेक्टर प्रिंसिपल मैं यहाँ मैनेज कर रहा हूँ। पश्मीना खुंगर ये मेरी बेटर हाफ, बट स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन ये सारा देख रही हैं। आज इस ओकेजन पे जब हम सेकेंड SS खुंगर मेमोरियल इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ। आज मिस्टर SS खुंगर हमारे फादर का नाम है, जिनका जो एक्सपायर हुआ 2021 में, बट उन्होंने जो अपना पहला स्कूल शुरू किया था वो एक बड़े छोटे इलाके में, कृष्ण नगर में, उन्होंने बेसिक रोड पे ही शुरू किया था वो वाला स्कूल 1954 में। और काफ़ी उन्होंने मेहनत की, DDA अलॉटेड लैंड्स मिली, ये वाला हैप्पी इंग्लिश स्कूल के नाम से भी हमारे स्कूल रन होते हैं, भारत नेशनल स्कूल के नाम से भी। और जब 87 में ये लैंड अलॉट हुई और हमने 94 में जब यहाँ शुरू किया तो मुझे कहते भी थे, मेरा निकनेम लेके, कि बॉबी हम लोग ना स्कूल ऐसा बनाना चाहेंगे जहाँ पर ना बच्चों को ग्राउंड में खेलने का बहुत मौका मिले, क्योंकि जिन स्कूल्स को उन्होंने शुरू किया था पहले उसमें खेलने की जगह नहीं थी, बच्चों को एजुकेशन के लेवल पे क्लासेस थी, अच्छे टीचर्स थे, बट बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फील्ड नहीं था क्योंकि प्राइवेट लैंड्स पे थे, छोटी जगह थी, पुराने इलाके थे वो। तो इस बात को मैंने भी बहुत सीरियसली लिया क्योंकि अपना भी, मेरा उनकी भी फिटनेस हमेशा रही लास्ट मोमेंट तक, और हम भी इस बात के लिए देखते रहे कि बच्चों के साथ साथ खुद टीचर्स का फिट होना, सब लोगों का एक एजाइल रहना एट अ फिज़िकल लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने जब यहाँ पे स्कूल भी बन रहा था तो हम बिल्कुल क्लियर थे कि स्कूल में ज़्यादा जगह स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए छोड़ेंगे और कम जगह में स्कूल की बिल्डिंग बनेगी, जिसको हमने अभी तक मेंटेन करके रखा है उसी तरह से। अगर स्कूल में ग्राउंड में देखेंगे तो 2.5 acres में ग्राउंड ही बना हुआ है स्कूल का, एंड इट्स अ वेल मेंटेन्ड काइंड ऑफ ग्राउंड। शुरू में जब हमने जिन जिन स्पोर्ट्स का हमें लगता था कि हम उन स्कूल्स में फैसिलिटी नहीं दे पाए, अपने जूनियर स्कूल में जैसे हैप्पी स्कूल में हमने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए स्विमिंग पूल वहाँ बनाया था, यहाँ पर जब हमने किया तो हमने क्रिकेट फील्ड पूरा का पूरा बनवाया, क्रिकेट के साथ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, जिमनास्टिक, स्केटिंग, इन सब एक्टिविटीज़ को, मार्शल आर्ट्स, इन सब को काफ़ी प्रमोट करने के लिए नॉट ओनली टीचर्स बट ऑल्सो द कोचेज वर अपॉइंटेड फ्रॉम आउटसाइड, लोग आते थे और आके कोच करते थे पहले। उसके बाद भी स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो स्पोर्ट्स का स्कूल में करिकुलम है वो ये डिमांड करता था कि हर क्लास इकट्ठी की इकट्ठी स्पोर्ट फील्ड में जाए, अगर 5 सेक्शन है तो 5 के 5 सेक्शन इकट्ठे जाएँ। तो रवि, जैसे रविराज सर, इन्होंने उस करिकुलम को यहाँ प्रमोट किया और उसी के चलते हमने काफ़ी सारे स्पोर्ट्स टीचर रखे यहाँ पर। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम स्कूल में हमेशा कम से कम 5 फिज़िकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर शुरू से रहे कि जब बच्चे स्पोर्ट्स फील्ड में जाएं तो उनको एज अप्रोप्रिएट लेवल पे सिखाया जा सके, समझाया जा सके। तो काफ़ी सक्सेसफुली हमने रन किया अपने स्पोर्ट्स करिकुलम को और एक टाइम में स्कूल कई लेवल पे चैम्पियन था, वो वॉलीबॉल से लेके बास्केटबॉल, क्रिकेट, इन सब चीज़ों में बहुत परफॉर्म करता रहा। जोनल चैम्पियनशिप्स तो हमारी गर्ल्स हमेशा ही जीतती रही हैं, पिछले 5 सालों से ऐसा कोई नहीं हुआ कि टॉप लेवल पे ना आई हूँ। तो जब पापा की डेथ के बाद हम सोच रहे थे कि उनकी मेमोरी को किस तरह से कमेमोरेट करें, किस तरह से उनकी याद को हमेशा अलाइव रखें, ताज़ा रखें अपने दिमाग में, तो हम सोच रहे थे कि क्या कोई को करिकुलर कॉम्पिटिशन रखें किसी तरह का, बट देन ध्यान में आया कि उनकी इंडोमिटेबल स्पिरिट के लिए, जिस तरह की वो स्पिरिट ना, वो कहते भी थे कि चलते रहो, तूफ़ान भी आ रहे हैं तो भी चलते रहो, तूफ़ान थम जाएंगे और रास्ता मिल जाएगा। तो वो स्पिरिट स्पोर्ट्स से जो आती थी, वो खुद अपने आप में बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर थे अपने कॉलेज टाइम में, तो हमें भी ये लगा कि स्पोर्ट्स में और ऐसे स्पोर्ट इवेंट को जिसमें बहुत सारे स्कूल्स को हम पार्टिसिपेट करा सकें, धीरे धीरे नंबरिंग बढ़ाते रहें, जैसे पिछली बार 10-15 स्कूल्स आए थे, इस बार 30-35 स्कूल्स को हमने बुलाया और नेक्स्ट ईयर हम और ज़्यादा इसको बड़ा एक्सटेंड करेंगे। बट वो एथलेटिक्स एक ऐसी चीज़ थी जिसमें हम ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा स्कूल्स को भी इन्वॉल्व कर सकते थे और इंडिविजुअल लेवल के इवेंट के साथ साथ टीम इवेंट दोनों के हमारे पास स्कोप था इसमें करने का।
तो इस बात को ध्यान रख के देन वी स्टार्टेड ऑफ विद दिस एसएस कुंगर मेमोरियल स्पोर्ट्स इवेंट, जिसका ये सेकेंड एडिशन है जो इस साल हम करने वाले हैं 2nd to 4th November में। इसमें क्या क्या करवाएंगे आप? इसमें हमारी डिफरेंट इवेंट्स होंगे, जिसमें 800 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर इवेंट्स, हर्डल्स होंगी, इसमें रिले रेसेस होंगी, सारी की सारी चीज़ें ट्रैक एंड फील्ड से रिलेटेड हैं जो भी इस बार हम करा रहे हैं। पिछले साल जब हमने किया था उसमें हमने और स्पोर्ट्स भी इन्वॉल्व किए थे, बास्केटबॉल भी था, क्रिकेट भी था, बट वो थोड़ा टीम स्पोर्ट और अलग तरह की कॉम्प्लेक्सिटी मांगते हैं, अलग तरह की डिमांड्स मांगते हैं, जिसके लिए अलग टूर्नामेंट्स भी हो सकते थे। बट इसमें पर्पज़ ये था कि मोर नंबर ऑफ स्कूल्स पार्टिसिपेशन, और इस तरह का जिसमें रिजल्ट्स हम मेजर लेवल पे हाथों हाथ दे सकें, दिखा सकें। तो इसको लेके जितने भी इवेंट्स हैं वो सब ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स हैं जो हम कर रहे हैं। कितने स्कूल्स आपके? अभी तक हमारे पास जो पार्टिसिपेशन कन्फर्मेशन आया वो लगभग 22 स्कूल्स का आया है, और कुछ 5-7 स्कूल और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 30 स्कूल्स का। जमना पार्टी है? नहीं, हमने टीम्स बनी थी अपने स्पोर्ट्स इनके अंडर ही, गाइडेंस के अंडर इन लोगों ने 5 टीम्स अलग अलग बनाई। किसी ने ईस्ट दिल्ली के स्कूल्स को कवर किया, किसी ने साउथ दिल्ली के, किसी नॉर्थ के, वेस्ट के और साउथ वेस्ट के भी, और उसमें सब तरफ से हम कॉम्बिनेशन है। तो डिफरेंट हैं दिल्ली, दिल्ली एनसीआर के, एक दो गाज़ियाबाद के स्कूल हैं, अदरवाइज दिल्ली के स्कूल। एज लिमिट तो सर हर स्पोर्टिंग इवेंट में, जैसे अंडर 14 का है, अंडर 16 का है, इस तरह की कैटेगरीज बनी हुई हैं, तो बच्चे उसी तरह की कैटेगरीज में स्कूल्स की तरफ से पार्टिसिपेट। हाँ जी, अंडर 14 ही है मिनिमम, अंडर 14 हमारा मिनिमम। जी जी, अंडर 14 के हिसाब से मिनिमम में तो ये, अगर बच्चा अच्छा स्पोर्टिंग उसका है, छोटा भी है तो वो उसमें चल जाता है, बट हाँ अंडर 14 की कैटेगरी अलग है, अंडर 16 की कैटेगरी अलग है। आपने कभी सोचा है जो बच्चे आप इवेंट कराते हैं, कुछ बच्चे अच्छे निकलते हैं, लाइक चैंपियन होते हैं, टैलेंट बेहतर है, जी जी, उनके फ्यूचर के लिए जी कुछ प्लान है, कुछ आगे ले जाने के लिए, कुछ उनको आगे बढ़ाने के लिए? हमने कई बार देखा कुछ बच्चे ऐसे, टैलेंट बहुत होता है जी, लेकिन सपोर्ट बैकअप नहीं। जी जी जी, हम बहुत इस बारे में ना अपनी तरफ से हम कई बार ये महसूस करते हैं, प्लेयर्स को एक एक प्लेयर के आने से, एक एक अच्छा प्लेयर स्पोर्ट्स का आने से स्कूल को भी बहुत बेनिफिट होता है उस बात से, क्योंकि पूरी पूरी टीम तैयार हो जाती है। एक टाइम था जब हम टैलेंट्स यहाँ पर पिक करते थे और बच्चे अपने आगे वाले बच्चों को सिखा देते थे। अब कुछ टाइम से हमने स्कॉलरशिप के लेवल पे, हम बहुत स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं, इवन छोटी क्लासेस से लेके 11th क्लास में भी, क्योंकि बाहर से भी बच्चे जब आने होते हैं तो हमारे लिए स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें बच्चों को हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, बच्चों को डिफरेंट इवेंट्स में जाना, बच्चों की रिफ्रेशमेंट का अरेंज करना, बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए करना, ये हम अपने एंड पे करने की कोशिश करते हैं। बट हाँ, आप ये कहें, अब जैसे एक बच्ची अपने यहाँ पर भी स्पोर्ट्स में, पूर्णिका बच्ची अपना, पूर्णिका ससोदिया, वो बच्ची अब डेली स्कूल, डेली वीमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है, आईपीएल में भी खेली। अब उस बच्चे को पढ़ाई के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए होती है वो तो मिलती है। मैंने बस देखा यह है कि बिना पेरेंट्स के सपोर्ट और कोऑपरेशन के स्कूल कितनी भी अपनी तरफ से कोशिश करे, अगर पेरेंट्स ऑनबोर्डेड होते हैं ना, बच्चा स्पोर्ट्स में आगे तभी जा पाता है। तो कई बार हमारी तरफ से स्कॉलरशिप की या बच्चे को वो देने के बावजूद भी ना कहीं वो माइंडसेट को लेके ज़रूर होता है कि अगर पेरेंट्स इस बात के लिए नहीं इनकरेज करते, रोकते हैं बच्चे को, तो किसी ना किसी एक जगह जाके ना हमारे लिए भी थोड़ी लिमिटेशन क्रिएट हो जाती है। बट येस, एज़ यू राइटली सेइंग, एक स्कूल था मेरे अपने एक फ्रेंड का जो रन करते थे सोनीपत में, हरियाणा के बच्चे थे वहाँ पर, वो इतना उन पे बच्चों पे खर्चा करते थे कि बच्चे अगर इंटरनेशनल भी पार्टिसिपेशन के लिए जा रहे हैं तो वो स्पॉन्सर करते थे बच्चे को। और मैं काफ़ी इंस्पायर्ड था इस बात से कि अगर बच्चा इस लेवल पे पहुंचे और स्कूल उसमें सपोर्ट कर सके तो बच्चे बहुत आगे तक जा सकते हैं। बट वहाँ पे हाँ, उनको पेरेंट्स बॉडी से पूरी सपोर्ट क्या थी, हरियाणा में ये था कि बच्चा है जो मर्ज़ी कर ले, आप जो मर्ज़ी कराओ, हम तैयार हैं। यहाँ थोड़ा पेरेंट्स करियर कॉन्शियस अलग तरह से हैं, स्पोर्ट्स को भी इतना ज़्यादा वो नहीं, एक्सेप्ट फॉर क्रिकेट। बट येस, फ्रॉम आर साइड वी आर क्वाइट ओपन, वी आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, और बच्चे को अपने लेवल पर जो हम दे सकते हैं वो तो हम देने की पूरी कोशिश करें। हमारे स्कूल में सारी टीम्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल की टीम, बास्केटबॉल की टीम, वॉलीबॉल की टीम, हैंडबॉल की टीम, क्रिकेट की टीम, ये वाली टीम्स तो हमारी बहुत रेगुलर, ताइक्वांडो की टीम्स, तो ये तो बहुत रेगुलर हमारे जो क्लब पीरियड्स में भी, और बच्चे स्केटिंग की टीम, सो ये सारी टीम्स तो बहुत रेगुलर चलती हैं। अदरवाइज़ बाकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी, जैसे अब चेस है या इंडोर गेम्स हैं कुछ भी, तो बच्चे जोनल लेवल पर, पार्टिसिपेशन लेवल पर, आर्चरी में अब जैसे कोई बच्ची अच्छी है तो उन बच्चों को भी हम, बट वो इंडिविजुअल लेवल की हैं। ज़्यादातर स्कूल में जो गेम्स हम प्रमोट करते हैं अदर देन एथलेटिक्स ऑफ कोर्स, विच इज़ टीम गेम्स ओनली। जी, तो
हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 गर्ल्स और बॉयज़ के चीज़ें हाईलाइट करने की ज़रूरत है, जैसे हमारे एथलेटिक इवेंट्स तो होंगे, हीट्स भी होंगी, बट जो बिगनिंग में ड्रिल है उसमें टैक्वांडो का आप देखेंगे, जिसमें से फायरिंग में काफ़ी गर्ल्स भी उसमें से पास कर रही हैं, उनको डर नहीं है, फियरलेस हैं, और उसमें योगा का भी है प्रेजेंटेशन, पिरामिड्स प्रेजेंटेशन है, तो वो भी एक तरह से स्पोर्ट्स का हमने उसमें भी इंक्लूजन करा है जो ड्रिल्स हैं। जम्मू का डेमोंस्ट्रेशन उसमें होगा? हाँ, वो ओपनिंग सेरेमनी पे ओपनिंग सेरेमनी करना होगा। सेकेंडली आई फील जो मेरे फादर लॉ थे वो गर्ल्स को लेके बड़े इंडिपेंडेंट थॉट था उनका, मतलब एज अ डॉटर इन लॉ ऑल्सो वो बहुत प्रमोट करते थे कि काम करना चाहिए, और स्कूल में गर्ल्स को भी इक्वली वो देते थे कि इक्वल बच्चियाँ जाएँ स्पोर्ट्स पीरियड में, एंड वो शायद एविडेंट होगा जिस दिन भी फंक्शन होगा हमारा, तो गर्ल्स इक्वलेंट पार्टिसिपेट। ये कब से कब तक आपकी इवेंट है? ये 2 नवंबर से शुरू है जी, और 4 नवंबर 3 दिन का इवेंट है। ये अपनी स्कूल में ही पीछे ग्राउंड में ही, अपने ग्राउंड में, ग्राउंड का एडवांटेज वही वाली बात है कि ग्राउंड में हमारे पास 200 मीटर का जो ट्रैक है और बच्चों के लिए 200 मीटर पूरा हो जाता है ना एक में, सो आपको दिखाते हैं अभी वहाँ पर। तो मेन पर्पज़ ये USP भी स्कूल का ये है कि ग्राउंड जहाँ पे 4000 बच्चे रोज़ खेलते हैं हमारे, सुबह भी और शाम तक भी बच्चे खेलते हैं, बट उसको फिर भी जिस तरह टीम ने मेंटेन किया हुआ है ना, वो हमारे वैसे भी है, कोई आता है तो हम बाकी चीज़ें बाद में दिखाते हैं, पहले ग्राउंड ही दिखाने ले जाते हैं। तो और काफ़ी सालों से इस तरह से चल रहा है, तो अपने ग्राउंड में ही कर रहे हैं हम उस चीज़। चीफ गेस्ट कौन होंगे आपके? इसमें हमारी चीफ गेस्ट जो हमें कंफर्म कर चुके हैं वो एक तो मिस्टर हिमांशु गुप्ता जो डायरेक्टर एजुकेशन में हैं वो आ रहे हैं, मंजीत जी हैं जो स्पोर्ट्स में CBSE के स्पोर्ट्स OST हैं वो आ रहे हैं, और यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर। तो इसमें हमने थोड़ा रिफ्रेन किया, हमने मतलब विद ऑल रिस्पेक्ट बट पॉलिटिशियंस को इसमें हमने नहीं, इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस एजुकेशन और उससे रिलेटेड कम्युनिटी से, बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी आएंगे डिफरेंट स्कूल्स। आपने ये सब जूनियर अंडर 14 तक की बात की जी, भविष्य मुस्तकबिल में क्या ऐसा कुछ सोच सकते हैं जूनियर लेवल अंडर 17 या ऊपर तक जा सकता है आपके, या अंडर 14 तक ही रहेगा? नहीं, दो तो चल ही रहे हैं, अंडर 14 और अंडर 16 तो हम कर ही रहे हैं सर, जैसे उसमें क्योंकि बस कैटेगरी उसको इसलिए अलग करने की ज़रूरत होती है कि एक एज तक के 9 तक के बच्चे, 8 तक के उसमें, और फिर 11 12 तक के बच्चे। तो एज ग्रुप जनरली जो बच्चे 11th में होते हैं वो इसी एज ग्रुप के लगभग होते हैं, 12th में जाके थोड़ा पार्टिसिपेशन उनके टाइम और उसकी वजह से नहीं होता, बट यस यू आर राइट, आई मीन मे बी अंडर 17, बट इससे ऊपर तो जाने का स्कूल लेवल पर कोई नहीं बनता।